मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं सर, ये हवास 47 से ज्यादा खराब है सर। 47 में एक लाइन खींची गई, एक बॉर्डर है, घरों के अंदर बॉर्डर है सर। मेरे घर बट, मेरा घर बट गया, पड़ोस बट गया, और ये क्यों बट रहा है सर? कोई हथियार कत्ल नहीं करता, माफ कीजिएगा, बहुत लोग कह रहे थे हथियार रुकवा दो, हथियार सर, हथियार कत्ल नहीं करता है, माहौल का जहर कत्ल करता है सर। मुझे शर्म नहीं है, मैं शाहीनबाग गया, मैं गया, लेकिन ये कौन सी जुबान है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है सर? ये एंटी वुमेन डिस्कोर्स है। आसान नहीं होता है घर की चारदीवारी छोड़ करके सड़क पर आकर के बैठो, बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान, कांधे पे तिरंगा, कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे। सदन जब मार्च के महीने में शुरू हुआ तो शुरुआती दो दिन मैं नहीं था, मेरे परिवार में एक निधन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ से लोगों से मैंने बात की तो कहा गया कि होली के बाद चर्चा होगी। सर ये अपने आप में मैं समझता हूँ हम पूरे सदन की प्राथमिकताओं और संवेदनाओं पर एक टिप्पणी है जो कम से कम दिल्ली में जो पीड़ित हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा कि होली के बाद चर्चा होगी। I wish to apologize on behalf of my house, my colleagues, to the people of Delhi that we failed you. Number one, sir. Number two, sir. I also beseech my colleagues, my fellow parliamentarians, ministers, honorables. Can we guarantee the people of Delhi or the people of this country that there shall be no more targeted violence? Can we guarantee that? I'm worried as a citizen, sir. We are not concerned about electoral victories or defeat. Make no mistake, if the poison continues like this, there shall nothing be called fighting elections, fighting for what? There shall be nothing. We are losing the track. We are losing the plot, sir. And I say this, main pure hosho hawas mein ye baat keh raha hoon, sir. Ye hawas 47 se zyada kharab hai, sir. 47 में एक लाइन खींची गई, एक बॉर्डर है, घरों के अंदर बॉर्डर है सर। मेरे घर बट, मेरा घर बट गया, पड़ोस बट गया, और ये क्यों बट रहा है सर? कोई हथियार कत्ल नहीं करता, माफ कीजिएगा, बहुत लोग कह रहे थे हथियार रुकवा दो, हथियार सर, हथियार कत्ल नहीं करता है, माहौल का जहर कत्ल करता है। ईंट से भी मारा जा सकता है, पत्थर से मारा जा सकता है, गला दबाया जा सकता है सर, बुलेट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस जहरीले माहौल को अगर नहीं रोका गया सर। सर कमाल है, अक्सर जब कहते हैं हमारे भाजपा के हमारे मित्र लोग कि इस आंदोलन के पीछे हम हैं, मैंने इसी सदन में कहा था सर हम तो अपना अपना घर संभाल रहे हैं, इतनी हैसियत होती पूरे देश में आंदोलन की तो आज सत्ता में हम होते। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, मैं इसकी ऑथरशिप नहीं लेना चाहूंगा, मेरी हैसियत नहीं है, मेरे दल की हैसियत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है सर। सर थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं, 11 को यहां हम हार गए, बहस की हार गए, मायूस होकर घर गए थे, उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हुआ सर। सर मुझे शर्म नहीं है, मैं शाहीनबाग गया, मैं गया, लेकिन ये कौन सी जुबान है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है? मेरी बहुत सारी महिला साथियां हैं, महिला उनकी अपनी एजेंसी होती है, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, ये नहीं कह सकते आपको उनको आगे कर दिया गया सर। ये एंटी वुमेन डिस्कोर्स है, वो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से लड़ रही हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से शाहीनबाग में लड़ी हैं। आसान नहीं होता है घर की चारदीवारी छोड़ करके सड़क पर आकर के बैठो, बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान, कांधे पे तिरंगा, कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे, ये कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे सर। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा सबसे, तमाम अपने साथियों से, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है, इधर से उधर बहुत हो रहा है, विपक्ष भी आपको अपने जैसा ही चाहिए, वो भी देख रहा हूं विपक्ष भी आप जैसा ही चाहिए, तो उस माहौल में मैं समझता हूं कि कुछ चीजें हमारे लिए। सर मैं एक बात कहता हूं, आप 90 के दशक में एक वीडियो था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन चल रहा था। सर अभी 3 मिनट हुए हैं, 3 मिनट, सर इससे सर थोड़ा सा मेंटल थॉट प्रोसेस टूट जाता है। 90 के दशक में सर एक बहुत वायरल हुआ वीडियो, 90 के दशक का एक वीडियो, छोटी सी बात, एक व्यक्ति कहते हैं कि जब मस्जिद में इंसान नहीं होगा तो मस्जिद में
इबादत कौन करेगा, मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। छोटी सी बात है सर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लेकिन ये छोटी सी बात आज के बड़े हुक्मरानों को समझ में नहीं आता है सर। सर मैं एक एक छोटी बात करके खत्म करूंगा, और वो ये है सर कि ये पूरा का पूरा जो हमें देखना होगा, अभी सुधांशु जी बहुत सारे, मैं दंगों पे काम किया, मैं पढ़ाता भी हूँ विश्वविद्यालय में, ये विषय एक है, एम जे अकबर दिल्ली विश्वविद्यालय में एम जे अकबर साहब का एक की एक किताब है जिसका जिक्र हुआ, उसमें पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है सारे दंगों की, पढ़ लेने से पता चल जाएगा कि इसके इसकी जड़ में कौन हुआ करते थे सर। सर और एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करने दीजिए कि नर्सिंग होम और विद्यालय जब आ जाए जद में, विद्यालयों से हो रहा है कहीं हिंसा, किताबें जलाई जा रही हैं, जामिया लाइब्रेरी पे अटैक हुआ, जो भी सभ्यता किताबें जलाए चाहे कोई जलाए, जो भी सभ्यता नर्सिंग होम जहां हीलिंग होती है वहां से वायलेंस हो, उस सभ्यता की रुग्णता का संकेत साफ है। और एक आखिरी सर, एक किताब इन दिनों पढ़ रहा हूं ऐसी चमल कुरान की, हाउ टू लूज अ कंट्री एंड आई हैव अ ह्यूज सेंस ऑफ डेजावू सर, आई जस्ट रीच सेवन स्टेप्स, वन इज क्रिएट अ मूवमेंट विच वी हैव क्रिएटेड अ पॉइजनस मूवमेंट, सेकेंड डिसरप्ट रैशनल एंड टेरराइज लैंग्वेज, नंबर थ्री रिमूव द शेम, इमोरालिटी इज हॉट इन पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, फोर्थ डिसमेंटल जुडिशियल एंड पोलिटिकल मैकेनिजम्स, फिफ्थ डिजाइन योर ओन सिटीजन्स, सिक्स्थ लेट देम लाफ एट द हॉरर, एंड फाइनली बिल्ड योर ओन कंट्री, एंड आई कैनॉट स्टैंड विद दैट। थैंक यू सर, जय हिंद। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.